ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा जब पैनमा का केस असेंबली में गया। हम असेंबली में केस चल रहा था, टीओआर की गेम चल रही थी, और फिर असेंबली के अंदर इनके सीनियर वजीर ने क्या कहा, ये जरा प्लीज सब सुने। हौसला रखें, ये चंद दिनों हफ्तों की बात है, ये पनामा लीग भी किस्सा परीना बन जाता है। ये आवामी इशू नहीं है, क्या पनामा लीग क्या इश्यूज हैं, ये जनाब ये कोई इशू नहीं है। पीपल हैव मूव्ड ऑन, और दो चार हफ्तों में जिस तरह पुराने जो इनके स्कैम्स या स्कैंडल सो कॉल्ड जो है बनाने की इन्होंने कोशिश की, वो भी चला जाएगा। ये अब सब पाकिस्तानियों ये गौर से सुनो, आप ये है पाकिस्तान का पार्लियामेंटेरियन। पार्लियामेंटेरियन वो होता है जो अवाम का नुमाइंदा होता है। अवाम के नुमाइंदे का काम है कि अवाम के पैसे की हिफाजत करना, और ये क्या कह रहा है, ये पार्लियामेंट में कह रहा है। मियां साहब फिक्र ना करें, आपने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की, आपने करप्शन की, फिक्र ना करें मियां साहब, लोग भूल जाएंगे। और वाकई अगर आप ना निकलते लोगों ने भूल जाना था, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपकी वजह से आज पैनामा लीग में फंस गया नवाज शरीफ। आपको खराज तहसीन पेश करता हूं पाकिस्तानियों, आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। ये जो आप ख्वातीन जो आप बाहर निकली, एक साल से अब बाहर निकलते रहे, आप पब्लिक बाहर ना निकलती, अपने हकूक के लिए ना खड़ी होती, ये सारा कुछ भूल जाना था। जिस तरह माजी के अरबों रुपए की चोरी भूल गए, चोरी तो आपकी है, चोरी तो आपकी है, आम लोगों की, आप सबकी चोरी हो रही है, आप पे डाका पड़ रहा है।